हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे स्पेशल मिठाई, खजूर ड्राई फ्रूट्स मिठाई। तो चलिए इसके लिए हम शुरू करते हैं। ये हमने खजूर लिए हैं, इनका हमने बीज निकाल लिया है। ये बीज निकाल लिया है इसका हमने। ये खजूर है और हमने ये लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो एक कप हमने नारियल लिया है और एक कप ये काजू कटे हुए और एक कप ये कटे हुए बादाम, एक कप कटे हुए ये अखरोट है और ये हमने थोड़े से बीज लिए हुए हैं। 10 ग्राम बीज है खरबूजे की ये। और ये खसखस लिया है, 10 ग्राम खसखस है। और ये हमने लिए हैं ये अलसी इनको बोलते हैं, ये बहुत फायदा भी करती है। तो ये हमने लिए चिरौंजी लिए, 2 चम्मच चिरौंजी है। और ये इलायची है, 1/2 चम्मच इलायची है। पिस्ता कटे हुए 1/2 कप पिस्ता कटे हुए। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हम मिक्सी जार में डाल के इसको दद्दरा पीस लेंगे, फिर बाद में रोस्ट करेंगे इनको। तो खजूरों को पीस लिया है। ये खजूर का ऐसा टेक्सचर रहेगा, ये हमने दद्दरा इसमें जार में डाल के कर लिया है, इसका टेक्सचर ये है। तो आप चलिए गैस ऑन करते हैं और हमने इसमें खसखस रोस्ट करेंगे। इनको सभी चीजों को हम रोस्ट कर लेंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो पहले सबसे पहले इसको हल्का ही करेंगे, ज्यादा नहीं हमें करने हैं रोस्ट। तो चलिए हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। डाल देंगे ये बादाम है, इसको इसमें डालेंगे। और ये काजू भी डाल देंगे इसी में। और ये पिस्ता है, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। ये अखरोट भी डाल देंगे इसी में, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। और ये हमने ये है, इसको हमने रोस्ट पहले से कर लिए थे। ये है, इसको हमने पहले रोस्ट कर लिया था। और इसमें हम नारियल भी डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। और तो गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे। तो घी डाल दिया और ये हमने अपनी जो खसखस थी वो भी हम इसमें ही डाल देंगे। खरबूजे के बीज जो रोस्ट किए थे हमने, तो ये भी इसी में डाल देंगे। और ये चिरौंजी है, चिरौंजी को भी इसी में डाल देंगे। और ये इलायची हमने ली थी वो भी डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब ये जो हमने खजूर लिए थे वो इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। तो इसको इसमें मेल्ट करेंगे। फिर आपने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के इसको चलाएंगे, इसमें मिक्स करेंगे। अच्छे से इसमें चला देंगे, इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो सारे हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें मिक्स करेंगे। ये मेल्ट हो गई इसमें, ये सॉफ्ट हो गई है इसमें। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें डाल देंगे। फिर अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और इसको हम ठंडा कर लेंगे। फिर इसको ठंडा करने के बाद हाथ से बनाएंगे हम, पहले इसको ठंडा करेंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है, इसको मिला लिया। अब इसको हम रोल बनाएंगे इसका। ये अच्छा सा टाइट हो गया है ये, तो इसका अच्छा सा मिक्सचर है, इसका बन गया है ये रोल। और सारे रोल हम इसी तरह से बनाएंगे, फिर कॉइल पेपर में लपेटेंगे इसको। पहले हमने इस पर थोड़ा सा ये पिस्ता और ये खसखस डाल लिया है। अब इसको हम इस तरह से इस पर लपेटेंगे।
ये इस तरह से सारा। अब ये हम इसमें फॉइल पेपर में इस तरह से कर देंगे। ये इसको इस तरह से दबा के फ्रिज में रख देंगे। सारे हमें इसी तरह से बनाने हैं। ये इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, फिर इसके बाद में आप ये इस तरह से सारे ऐसे ही कर लेंगे। ये बन गया है इस तरह से। हम कॉइल पेपर में इसको भी कर लेंगे इस तरह से रैप करके इसमें, और हम फ्रिज में रख देंगे इसको। 1 से 2 घंटे तक रख सकते हो। ये सारे इस तरह से बना लेंगे हम। देखिए फ्रेंड, ये हमने फ्रिज में रख दिए थे। आप चाहें तो 1 से 2 घंटे रखें, या आप 3 घंटे भी रख सकते हो। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकाल देंगे। फिर आप इसको खोलेंगे रैपर इसका, ये इस तरह से खोलेंगे और ये निकलेगा अंदर से ऐसा। और इसको हम कट करेंगे और फिर इसको आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये इस तरह से इसको कट कर लेंगे। आप ये अपने हिसाब से पीस काट सकते हो, जितने मोटे आपको करने हो उस हिसाब से। तो आप ये इस तरह से काट सकते हैं। सारे इसी तरह से काट लेंगे। खजूर मिठाई तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। और आप लोग जरूर इसको घर पर ट्राई करें और बनाएं, अपने फैमिली मेंबर या गेस्ट लोगों को खिलाएं बना के। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।